बाबा बर्फानी के कपाट फिर से भक्तों के लिए खुलने वाले हैं। मुश्किल रास्तों, ठंड, कई तरह की चुनौतियों को पार कर भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शन मिलते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका यात्रियों को अमरनाथ यात्रा पर खास ध्यान रखना चाहिए, ताकि रास्ता भी आराम से कट जाए और बाबा बर्फानी के दर्शन भी हो जाए। आज हम आपको यही बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन बिल्डर में आपका स्वागत है। इस साल अमरनाथ यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक होनी है। इसके लिए 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए भक्तों को दो रास्तों से आगे बढ़ना होता है, पहला बालटाल और दूसरा पहलगाम। ऐसे में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका भक्तों को अमरनाथ यात्रा पर ध्यान रखना होता है। अमरनाथ यात्रा कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों के बीच में है। इस गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा होती है। अमरनाथ गुफा को भगवान शिव के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। ऐसे में 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको प्रशासन पहले ही हिदायत दे चुका है कि वो लोग 4 से 5 घंटे की मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक शुरू कर दें। ऐसा करना यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना आसान नहीं होता। अमरनाथ की गुफा 12,700 फीट की ऊंचाई पर है और रास्ते में कई ऐसी जगह आती हैं जहां पर 14,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर जाना होता है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, वहीं बारिश की वजह से रास्ते में तापमान में गिरावट आ जाती है। ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनका हर भक्त को सामना करना होता है। ऐसे में सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि आप किन किन बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर जाते समय गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट, टोपी, दस्ताने, जुराब, थर्मल जरूर लेकर जाएं। इसके अलावा स्पोर्ट्स शूज, टॉर्च, बरसाती, पिट्ठू बैग, दवाइयां और थोड़ा ड्राई फ्रूट भी अपने साथ जरूर रखें। किस सामान की कब जरूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता। यात्रा करते समय अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड जरूर साथ रखें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। यात्रा पर अकेले कभी ना जाएं, कोशिश करें ग्रुप में साथ जाएं। कोशिश करें कि अपनी यात्रा जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से कॉन्वॉय के साथ शुरू करें, ताकि सुरक्षा कर्मियों की नजर में रह सकें। यात्रा के दौरान बहुत सारा खाना कतई न खाएं, थोड़ा थोड़ा कर खाएं। अमरनाथ भक्त किसी भी सूरत में रात में यात्रा करने से बचें, इससे आपकी सेहत भी खराब हो सकती है और सुरक्षा दृष्टि से भी ये गलत है। लगातार पैदल यात्रा करने से बचें, बीच में थोड़ा थोड़ा आराम जरूर करें। घोड़ा या पिट्ठू करने पर उसका पहचान कार्ड लेना मत भूलें। कार्ड से आप उसके अलग होने पर उसकी सूचना केंद्र पर देकर अपना सामान वापस ले सकते हैं। ध्यान रखें, यात्रा में अन्य राज्य का प्रीपेड सिम काम नहीं करता है। ये वो सावधानियां हैं जिन्हें अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हर भक्त को मानना चाहिए। अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ जाएंगे तो आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी और बाबा बर्फानी के दर्शन भी आराम से हो जाएंगे। यात्रा शुरू होने से पहले लोगों ने भी कमर कस ली है। हजारों घोड़े वालों ने अमरनाथ यात्रा के लिए कश्मीर की तरफ कूच करना भी शुरू कर दिया है। ये लोग न सिर्फ भक्तों को पवित्र गुफा तक लेकर जाते हैं, बल्कि यात्रा के बंदोबस्त में जरूरी सामान भी पहुंचाते हैं। पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, शोपियां, अनंतनाग के 40,000 से ज्यादा घोड़े वाले अमरनाथ यात्रा में अपना योगदान देते हैं। ये लोग यात्रा शुरू होने के 15 दिन पहले ही बालटाल और पहलगाम पहुंच जाते हैं। अमरनाथ यात्रियों को इस बार श्रीनगर से हवाई सुविधा भी उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने श्रीनगर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का फैसला किया है, यानी अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो आप श्रीनगर से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर में यात्रा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठकर जब आप यात्रा करेंगे तो आपको आसमान से शानदार नजारा भी दिखेगा। अमरनाथ यात्रा के लिए पंचतरणी 3,500 मीटर की ऊंचाई पर आखिरी पड़ाव है, जहां से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर तीर्थयात्री पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे। अब आपको बाबा बर्फानी की इस साल की पहली तस्वीर भी दिखाते हैं। ये इस साल बाबा की पहली तस्वीर है, कुछ इसी तरह के दिख रहे हैं बाबा बर्फानी। इन्हीं बाबा के दर पर अब हजारों भक्त पहुंचने वाले हैं। लेकिन यात्रा पर जाने से पहले आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षा बलों का सहयोग करिए और सच्चे मन से बाबा बर्फानी के दर्शन करिए, क्योंकि जो बाबा के सच्चे मन से दर्शन करता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब करिए।
ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।